ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर, क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि शिक्षकों की, जिन पर बीते दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद प्रदेश का सियासी पारा काफी गरमाया। लेकिन अब मंत्री जी ने अपने बयान के लिए मांग ली है माफी। क्या कहा था मंत्री जी ने ये तो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज मंत्री जी ने जो बयान दिया वो सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ये जरा सुनिए। एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है वो दे सकते। इसके बाद भी हमने, मैं तो, मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी, मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। दरअसल ये बयान तो मंत्री जी की माफी का है, लेकिन इसके पहले मंत्री जी ने जो बयान दिया था उस पर काफी हंगामा हुआ और सरकार की किरकिरी भी। मंत्री ने नियमितीकरण के सवाल पर ऐसा कह दिया था कि विपक्ष ने भी उनके बयान की खूब आलोचना की थी और बयान पर माफी मांगने की मांग कर डाली। दरअसल सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि नियमितीकरण होगा ही क्यों, अतिथि शिक्षकों का नाम है क्या, अतिथि है, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे क्या। सुनिए तब क्या कह गए थे मंत्री जी। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया, उनका नाम क्या है, उनका अतिथि, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या। सर उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहां पर गैप है, जहां शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे जैसे ही ये बयान सामने आया था, इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चेतावनी भी दी थी कि अगर ये बयान वापस नहीं लिया जाता, माफी नहीं मांगी जाती तो पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी भी शिक्षकों के साथ मैदान में उतर आए थे और प्रदर्शन भी करने की तैयारी थी। बता दें कि 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं, कर भी रहे, इंतजार कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण कब होता है। इसके पहले सरकार की इन गेस्ट टीचर से बैठक भी हुई थी और यह आश्वासन मिला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यह बयान मंत्री की तरफ से सामने आया जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण के सवाल पर जब पत्रकारों ने पूछा था तो कहा था कि जहां गैप है, शिक्षक कम है, हम उनको लगा देते हैं। बीते दिनों वो आए, हम लोगों ने बैठक की, बात की, उनके जो दो तीन विषय हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं, 5 मांगे हैं, 2-3 विषय की बात कही। वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि कोई अतिथि शिक्षक अगर लगता है तो पूरे एकेडमिक सेशन में उससे काम कराया जाए, उनके हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण हैं तो फिर उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंत्री ने जब ये कहा कि वो गेस्ट हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे, इस बयान पर जीतू पटवारी ने कहा था कि कब्जा होता क्या है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, फिर वो सेवाएं देते हैं, आप सेवाएं लेना चाहते हैं और बाद में उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। एक मंत्री का बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पटवारी ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी उन्हें घेरा था और एक्स पर लिखा था कि वाह शिक्षा मंत्री जी, आपके बोल बीजेपी के संस्कार और सभ्यता वाली शिक्षा को दर्शाते हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक है। जिस देश में बच्चों को अतिथि देवो भव के संस्कार दिए जाते हों वहां पर नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते। अतिथि शिक्षकों के जो अधिकार है वो तो उन्हें मिलने ही चाहिए और कांग्रेस वो उन्हें दिला करेगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथि शिक्षक, इनकी ये मांग कई सालों से चल रही है, आपकी ही सरकार ने, शिवराज जी ने इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आप पूरा करें,
क्योंकि ये बीजेपी की ही सरकार थी और आपकी ये सरकार है, इसको पूरा करके इनकी इनको अतिथि न समझें, इनका स्वागत करके इनको परमानेंट करें। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसी भाषा बोलने वालों पर नकेल कसें, तो क्या नकेल कस दी गई? वहीं आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर शिक्षा मंत्री इस बयान को तुरंत वापस नहीं लेते तो मध्य प्रदेश में इसका हम विरोध करेंगे। हालांकि बयान वापस ले लिया गया, माफी मांग ली गई। बता दें कि बीती 10 सितंबर को भोपाल में नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक अंबेडकर मैदान में जुटे थे, तिरंगा यात्रा निकाली थी, बरसते हुए पानी में सीएम हाउस घेरने के लिए निकले थे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका था, धक्का मुक्की हुई थी, शिक्षक गिरे थे, जख्मी हुए थे, पुलिस पर आरोप लगा, शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा गया। इधर अतिथि शिक्षकों का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को, एक साल से ऊपर हो गया, अतिथि शिक्षकों की पंचायत में उनको नियमित कर गुरुजी के समान वेतनमान देने की बात कही थी। ये वादा एक साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ और उनकी मांग है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम कराकर ही सही, गुरुजियों की तरह नियमित तो किया जाए। लेकिन ये अतिथि शिक्षक कोई एक दो साल का मामला नहीं है, कई सालों से इसी तरीके से सेवा दे रहे हैं लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया। और ऊपर से अगर यह कह दिया जाए कि अगर अतिथि हैं तो अतिथि बनकर रहें, हमारे घर में आओगे और अतिथि बनकर कब्जा कर लोगे क्या, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो उबलेगा ही। लेकिन अब मंत्री ने माफी मांग ली है, दोनों बयान फिर से सुन लीजिए। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया, उनका नाम क्या है, उनका अतिथि, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सर उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों के साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से ही पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते। इसके बाद भी हमने, मैं तो, मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी, मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए।